किया है डिटेल कॉलआउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक के अंदर। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिजाइन करा है अपना। कॉलआउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिजाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि हम लोगों ने अब शुरू से ही किंग, कैलिफोर्निया बेड साइज, क्वीन साइज, सिंगल बेड, बंग बेड, सब ये सब सुना है। बट जब भी कर सकते हो ये मार्किंग आप इस एरिया में भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी डिटेल हम साइड में दे सकते हैं। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइट्स। इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहां। इसीलिए ये सारी चीजें एग्जाम्पल, मैंने आपको प्लानिंग करने के लिए एरिया दिया, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि बेडरूम का साइज हमें कितना लेना है? ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1600 स्क्वायर फुट का प्लॉट एरिया है, 1600 स्क्वायर फुट। आप बताइए मैं क्लाइंट हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे एक बेडरूम चाहिए, आप कितने का दोगे? चलिए प्रैक्टिकली आ जाते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी देखते हैं कि उनको कितने रूम्स चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, स्टोर रूम। Toilet seat should be north south only and it should not be east. Stair should always be in clockwise direction. Porch should not touch the north or east compound wall. Big trees should not be grown in north or east direction. आपको चाहिए हर एक point को follow करा गया है. They should be in south or west side of the room. Face east while cooking. West is allowed if there is no alternative, but never face south while cooking. यहां तक इन्होंने ये भी कहा है, टोटल नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज शुड बी एन इवन नंबर। फॉर कॉलम्स को कैसे मेंशन करते हैं, कॉलम्स का प्लेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन बता रहा है? भाई साहब, ड्राइंग रूम को बैक में रखना चाहिए? नहीं, करेक्ट, कुछ साइंस कुछ लॉजिक है ना, बस वही लॉजिक वही रूल बिल्डिंग बायलॉ ने अप्लाइड कर दिए यहाँ पर कि बेडरूम एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल प्राइवेसी का है, उसको बिल्कुल सेपरेट करना है। क्यों? सो दैट वी कैन यूज अ वन वॉल फॉर वेंटिलेशन। हर एक चीज को डिजाइन करी गई है किसके बेसिस पे, कहाँ पर कौन सा वेंटिलेशन देना है और कैसे क्या वेंटिलेशन आएगा।
बाजार में आई। एक बार पहले बिल्डिंग बाय हाउस को आप लोग स्टडी कर लो अच्छे से, वास्तु को स्टडी कर लो कि समझ में आएगा कि कैसे काम करो। आगे हम जब काम कराएंगे प्लानिंग प्रोजेक्ट तब थोड़ा सा और चीजें समझते हैं। अभी सिर्फ जो चीज मैं जैसे गाइड कर रहा हूँ उसको फॉलो करो, जो टास्क दे रहा हूँ उस पर काम, बाकी जो काम करवाऊंगा तो और क्लियर होंगे जो हमें कैसे वर्क। Thank you.